छत्तीसगढ़ की सियासत में ट्विटर वॉर छिड़ी हुई है। एक के बाद एक करीब आधा दर्जन दलों ने एक दूसरे पर टिप्पणी की है। बात इस कदर बिगड़ी कि प्रदेश के दो बड़े दल जानवरों, पक्षी, जंगली जीवों से तुलना पर उतर आए। कांग्रेस ने कह दिया कि भाजपा के लोग कार्यालय में मुर्गा बनेंगे। जवाब में बीजेपी ने कह दिया कि जनता कांग्रेस के गधों को नहीं चुनेगी। ये फसाद प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय के एक ट्वीट के बाद शुरू हुआ। रायपुर एयरपोर्ट से बस सर्विस शुरू हो रही है, इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर अपडेट करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से लिखा गया, आम नागरिकों के हित में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर परिवहन विभाग की ओर से स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट माना से दुर्ग तक जाने वाली एयर कंडीशनर सिटी बस का शुभारंभ किया गया। अब दुर्ग से रायपुर और एयरपोर्ट माना तक आने जाने के लिए लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो गई है। ये ट्वीट सामने आते ही बीजेपी ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, झूठ बोलने में तो कांग्रेसियों का कोई तोड़ नहीं, श्रेय लेने की होड़ में अंधी हो चुकी है कांग्रेस, जरा अपने गिरेबान में झांके। एयरपोर्ट से दुर्ग तक जनता की सुविधाओं के लिए एसी बसों का शुभारंभ बीजेपी सरकार ने किया था। कांग्रेस ने कोरोना का बहाना बनाकर 3 सालों तक जनता को सिटी बस की सुविधाओं से वंचित रखा। इसके बाद एक के बाद एक ट्वीट बम एक दूसरे पर पार्टियों ने फेंके। कांग्रेस भाजपा को जवाब देते हुए लिखा, शुभारंभ तो तुमने पनामा खातों का भी किया था। पनामा का जिक्र होते ही बीजेपी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मामले पर घेरा, लिखा 229 करोड़ का गोबर घोटाला कर कांग्रेसियों की तिजोरियां क्यों भरी। CGPSC में कांग्रेसी भाई भतीजों को सीट बेचकर छत्तीसगढ़ के होनहार युवाओं का हक क्यों छीना। भ्रष्टाचार के ट्वीट के जवाब में कांग्रेस ने लिखा, 15 साल तक प्रदेश को जोंक की तरह चूसने वालों, अभी जनता ने एक बार नमक डाला है, दोबारा इंतजार करो, फड़फड़ाकर पूरी तरह गिरोगे। बीजेपी ने कांग्रेस से कहा, हर दिन घोटाले बाहर आ रहे हैं, बरनौल बाजार में थोक से खरीद लो। कांग्रेस की ओर से लिखा गया, डॉक्टर साहब की बरनौल उठा लाए, 4 महीने रुको, तुम सबके सब बीजेपी कार्यालय के छत पर मुर्गा बनकर कुकू करके माफी मांग रहे होंगे, तुम सब गधों पर बैठकर परेड करोगे। गधा कहे जाने के बाद बीजेपी का ट्वीट आक्रामक हो गया। कांग्रेस के लिए लिखा गया, अरे मूर्खों, बरनौल का उपयोग अभी नहीं करना है, अभी रखना है, जब जनता खौलती कड़ाही में डालेगी, हिसाब कांग्रेस का होना है, इस बार कांग्रेसी गधों को नहीं चुनेगी। जवाब में कांग्रेस ने ट्वीट किया, ये लिखने के लिए पहले मुंह पर बेशर्मी का रेत तो मलते होंगे, सिर्फ 2018 में ही जनता ने आपके गाल पर लोकतांत्रिक तमाचा नहीं मारा, गाल अभी और सूजेंगे, तैयार रहो। राजनीति में वार पलटवार आम बात है, लेकिन इस तरह से ट्विटर पर तूतू मैमे से इतना तो साफ है कि चुनावी साल में तल्खी का स्तर अभी और बढ़ने वाला है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।